me echa otro. Kenapa saya gue ya gue ya orang pergi? Bobo Bangres kan pernah ya buat. Ah. Bangres mana? Si kelihatan kena admin mana? Ya kan lo ya lo. Ah, kaya kali Victoria kau utara kan ya? Victoria, 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 boy, Victoria. Balas. Bukan ya, bukan ya balas. Ah, betul. Bukan ya, bukan ya balas. Jauh baik. Thank you.
YouTuber, YouTuber. YouTuber. Thank you.
In the closet way back, I won't be needing that, I won't be needing that, ah. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high, hit the coastline in the sunshine. இதெல்லாம் போர் வீரர் பாருங்க, கல்கத்தா மியூசியம்ல இருக்கும். Thank you.
Thank you.
भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब हमने अपने नागरिकों और प्रतिष्ठानों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए स्वदेशी मिसाइलों के महत्व को महसूस किया। इससे मिसाइलों और उनके निर्माण के लिए सामग्री की प्रावधान और नेविगेशन में क्षमता हासिल करने में मदद मिली, जिस प्रकार ऐसा नहीं, किधर जाए क्या हुआ? आगे आगे तितली उधर। ओ ये सब नहीं है, देखते इधर नहीं देखेगा, इसमें सब कीड़ा है, कैटरपिलर। ओ आगे देखो तितली।
সকল দর্শক, এই শোটি দেখতে ইচ্ছুক আপনারা কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ডাইনামোশন বিল্ডিংয়ে যোগাযোগ করুন। কৃপয়া ধ্যানে সায়েন্স অনার্স ফেয়ার শো কে টিকিট মিল রাখা হ্যায়। জো দর্শক ইয়ে শো দেখনা চাহতে হ্যায় ওয়ে কাউন্টার সে টিকিট লেকার ডাইনামোশন বিল্ডিং মে সম্পর্ক করে অনুগ্রহ করে শুনবেন। সায়েন্স অনার্স ফেয়ার শো এ টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। যে সকল দর্শক এই শোটি দেখতে ইচ্ছুক আপনারা কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ডাইনামোশন বিল্ডিংয়ে যোগাযোগ করুন। কৃপয়া ধ্যান দে সায়েন্স অনার্স ফেয়ার শো কে টিকিট মিল রাখা হ্যায়। জো দর্শক ইয়ে শো দেখনা চাহতে হ্যায় ওয়ে কাউন্টার সে টিকিট লেকার। চলে গেলি কেন ধন্যবাদ অনভিষ্ণ যোগ। हमारे सौर का जन्म हुआ है, धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमिनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले सुमेरियन लाइफ में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लैटफॉर्म जेलीफिश स्टारफिश सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्टियोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगल में बदल गए। घून मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आदिर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी
डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगनफ्लाई साथ ही दिल जीतते बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं नाम के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो किधर की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूरिमॉर्फोडॉन हवा में उड़े थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में फल चर्चा से ज्वाला से हवा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलिमाइमस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो
ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉल और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडस उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉस और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लोरेसिया और कुंभवारा नाम के दो भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्ग के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। लाइट क्यों बंद किया है? भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। क्या बोला? जाओ रे, जाओ जाओ। बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म
लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मादिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले पाल और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप बेरे ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गया। दूसरे पूर्व इवोल्यूशन पैराग्राम में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक भारतीय विरासत का भी इसी मौल के पहले तौर पर अंत दिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी।
मेरा सोशल साइंस